चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के 2.5 साल पूरे हो गए हैं और इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुजरे इन सालों में लोगों का नजरिया बदला है, कामकाज की बदौलत उनकी सरकार ने जनता का विश्वास हासिल किया है। सीएम योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि हमारी सरकार ने वर्क टीम के रूप में काम करते हुए उत्तर प्रदेश के प्रति बने नेगेटिव परसेप्शन को बदल दिया है। बड़ी कार्रवाई इसमें की। तो ड्रेस, किताबें और खाने तक का इंतजाम किया योगी सरकार ने, बिना भेदभाव गरीबों तक योजनाएं पहुंचाई गई हैं और 2.5 साल में लोगों का नजरिया बदला, बिजली को लेकर अवधारणा बदली है। 15 सालों में प्रदेश का किसान बेहाल था, पुलिसकर्मियों की सुविधा में अब बढ़ोतरी हुई है और 20 लाख नौकरियों का रास्ता भी खोला है। तो योगी सरकार के बेमिसाल 2.5 साल, डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है और कामकाज की बदौलत ही जनता का विश्वास भी जीता है। यूपी में 2 एम्स बन रहे हैं, पौधारोपण पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इंसेफ्लाइटिस के आंकड़ों में 65% की कमी आई है, ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे बिजली मिल रही है। अपराध मुक्त अब यूपी, अपराधी यूपी से दूर। बंद पड़ी चीनी मिलें फिर से शुरू हो रही हैं और 50 लाख बच्चे स्कूल भी पहुंचे हैं। तो बेमिसाल 2.5 साल और 14 नई डेयरी का संचालन भी हुआ। हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट में प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों के फसल ऋण की माफी की कार्रवाई की थी और देश के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार की देखा देखी तमाम अन्य राज्य सरकारों ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया, लेकिन फसल ऋण माफी की सबसे सफलतम योजना उत्तर प्रदेश के अंदर की रही है, जिसमें हम लोगों ने 86 लाख किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए हैं। प्रदेश के अंदर सॉयल हेल्थ कार्ड हो या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों को इन योजनाओं का बेहतर लाभ देने की दिशा में किया गया प्रयास हो, या फिर प्रदेश के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम किसानों को देने का, पहली बार प्रोक्योरमेंट की कोई पॉलिसी प्रदेश के अंदर लागू हो पाई, रिकॉर्ड मात्रा में न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम न केवल धान और गेहूं का बल्कि दलहन, तिलहन, मकई, आलू, इन सब का भी प्रदेश की सरकार ने देना प्रारंभ किया। रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न हम लोगों ने प्रदेश के अंदर देने के साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ प्रदेश के अंदर किसानों को प्राप्त हुआ। 8 ऐसी परियोजनाएं जो दशकों से, 3 दशक 4 दशक से लंबित पड़ी हुई थी, 1 वर्ष 1.5 वर्ष के अंदर उन योजनाओं को पूरा करते हुए हम लोग वर्तमान में 2,67,000 हेक्टेयर से अधिक लैंड को सिंचन के अतिरिक्त सुविधा दिए हैं और इस वर्ष के अंत तक, यानी इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हम 14 लाख हेक्टेयर से अतिरिक्त लैंड को सिंचन की क्षमता उपलब्ध कराने जा रहे हैं। जिन नई परियोजनाओं को हम लोगों ने, पहले से चल रही परियोजनाओं पर हम लोगों ने द्रुत गति से कार्य करना प्रारंभ किया है, उनमें ये चाहे वह सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना हो, मध्य गंगा परियोजना हो, अर्जुन सहायक परियोजना हो, इस प्रकार की तमाम परियोजनाएं हैं जिन परियोजनाओं पर वर्षों से कार्य नहीं हो पाए थे, हमारी सरकार ने उसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। विज्ञान केंद्रों को किसानों के साथ जोड़ने की कभिनव कार्य योजना आगे बढ़ाई, 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र प्रदेश के अंदर खोले और साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों के साथ और किसान कृषि विज्ञान केंद्रों को विश्वविद्यालयों के साथ जोड़ने की कभिनव कार्य योजना आगे बढ़ाने के भी परिणाम हम सबके सामने बेहतर तरीके से आए हैं। यह कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए और खासतौर पर प्रदेश के अंदर गन्ना किसान विगत 2.5 वर्ष के अंदर 73,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान हमारी सरकार की है। बंद पड़ी चीनी मिलों को चलाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाई गई है और शुगर केन से सीधे इथेनॉल बनाया जा सके, इस कार्रवाई को भी पहली बार प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर भारत सरकार ने अपनी मंजूरी दी है, जो किसानों के जीवन में व्यापक खुशहाली का आधार बनेगा। प्रदेश के अंदर
ड्रिप इरिगेशन के लिए भी और जल सिंचन के लिए भी खेत तालाब योजना हो या फिर ड्रिप इरिगेशन में 50 लाख किसानों को इस योजना में अनुदान देने की कार्रवाई प्रदेश सरकार ने सफलतापूर्वक इस कार्य योजना को आगे बढ़ाया तो डार्क जोन के नाम पर किसानों को प्रताड़ित करने की पिछले 3 दशक से चली आ रही उस द्रव्य संधि को भी प्रदेश सरकार ने हटा करके उन सभी किसानों को जो वास्तव में खेती करते थे लेकिन उन्हें किन्हीं कारणों से कनेक्शन नहीं दे जा रहे थे हमने उसे खोला और किसान आज उससे लाभान्वित हो रहा है। मित्रों, प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सुविधा का सबसे बड़ा प्रमाण आपके सामने इंसेफ्लाइटिस से हो रही मौतों के आंकड़ों को न्यूनतम स्तर पर लाने में प्रदेश की सरकार के द्वारा मिली सफलता। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अगल बगल के तमाम राज्यों में कहीं इंसेफ्लाइटिस से, कहीं डेंगू से, कहीं किसी अन्य बीमारी से तमाम प्रकार की मौतें हो रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अपनी ठोस कार्य योजना बनाई थी उस कार्य योजना का परिणाम है कि विषाणु जनित जितनी भी बीमारियां, वेक्टर बॉर्न डिजीज जितनी भी हैं, इन सब पर प्रभावी अंकुश करने में काफी हद तक हमें सफलता प्राप्त हुई है। और मस्तिष्क ज्वर, जिससे पिछले 40 वर्षों से हजारों मौतें उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही थी, हमारे 38 जनपद जिसकी चपेट में बयाह रूप से थे, आज उसमें 65% की कमी विगत 2 वर्ष के अंदर अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन की सर्वाधिक भूमिका रही है। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।